और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन है, तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। पाप से भरा जग अंधेरा और अशुभ सारा, जीवन मेरा पाप से भरा जग अंधेरा और अशुभ सारा, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन है दिया, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन है दिया। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन है, तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोणों की मार भी दी सलीब पर अपनी जान भी, खाई कोणों की मार भी दी सलीब पर अपनी जान भी। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन है, तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। होप एट होम सब सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं इस खुशनुमा दिन के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया कि आज हम अपने तमाम दुनिया के काम काजों को छोड़कर तेरे दिन में परमेश्वर तेरी हुजूरी में आकर हम सभी सैबत स्कूल में आकर
परमेश्वर सैबत स्कूल लेसन का अध्ययन कर सकते हैं। आज के सैबत स्कूल अध्ययन में आप परमेश्वर हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें और हमारे बीच में रहें। दुआ मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए अब हम अपने सैबत स्कूल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फीचर टॉक में मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है एंजल ऑफ द बीच। टिली स्मिथ ब्रिटेन की 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी, जो 2004 में अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस वेकेशन मनाने थाईलैंड गई हुई थी। क्रिसमस के अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तब उसने नोटिस किया कि बीच जो पानी की लहरें थी वो नॉर्मल तरीके से अंदर बाहर नहीं जा रही थी। वो बहुत देर तक बाहर ही बाहर आ रही हैं और उनमें झाग ही झाग हैं। फिर उसने नोटिस किया कि वेव्स अचानक अंदर की ओर चली गई और बीच को पूरी तरह छोड़ दिया। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके ज्योग्राफी टीचर एंड्रू कर्नी ने उन्हें नेचुरल डिजास्टर और सुनामी के बारे में पढ़ाते समय बताया था। उसे यकीन हो गया कि ये सारे संकेत सुनामी के हैं। उसने अपने पापा को बताया, जिन्होंने कोस्ट गार्ड को बताया, जो एकदम अलर्ट हो गए। सब ने मिलकर बीच के और लोगों को चिल्ला चिल्ला के सबको वार्न किया। उस छोटी सी लड़की के कारण उस दिन करीब 100 लोगों की जान बची। उस सुनामी से करीब 23 लाख लोगों की जान गई थी, पर टिली के कारण उस बीच के सारे लोग बचाए गए थे। हम भी जीसस के डिसाइपल्स हैं। हम भी टाइम के सारे वार्निंग साइंस देख रहे हैं। इट इज़ टाइम कि हम दूसरों को अलर्ट करें। ये हमारी अर्जेंट ड्यूटी है। जैसा टिली ने सबको वार्न करा, हम भी जीसस की गुड न्यूज़ बतानी चाहिए और उनके दोबारा आने के साइंस जो हम देख रहे हैं वो भी हमें सबको बताने चाहिए कि जीसस जल्द ही आने वाले हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को गुड पाथ पर नहीं लाए तो हम भी एक सब इटर्नल लाइफ को हमेशा के लिए खो देंगे। एंड करने के लिए मैं एक बाइबल वर्स शेयर करना चाहूँगी, मत्ती 24:33 में लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपकी जो मिशन रिपोर्ट है वो हमारे पास फिनलैंड से आई है और उसका टाइटल है डीमंस एंड डेथ, भूत और मृत्यु। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीन फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है टीमो, लीना और एनीली। ये तीनों जो हैं एक अपार्टमेंट में, एक लड़की लीना के अपार्टमेंट में आके बाइबल स्टडी कर रहे हैं। और उसी समय जो लीना है वो कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरा फील हो रहा है, आओ हम दुआ करें। ये तीनों जने दुआ करने बैठ जाते हैं उस अपार्टमेंट में और लीना जो है वो देखती है कि एक बहुत ही काली शेडो जो है उस कमरे में घुसी है और उसने उसके ऊपर हमला किया है। वो उससे बचने के लिए अपने आप को बचाती है और ये दोनों जो हैं टीमो और एनली, लीना और एनली जो हैं वो प्रेयर में बहुत ही निगम होकर, मगन होकर प्रेयर कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये लड़की बचने के लिए अपने आप को बचाती है और अंधेरे में उस शेडो के ऊपर हमला करती है। इसी समय वो देखती है कि दरवाजे से एक वाइट लाइट जो है वो अंदर आई है और जो ब्लैक शेडो थी, ब्लैक परछाई थी, वो गेट के पास खड़ी है और वो बार बार आने की और अनिल के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो वाइट लाइट जो है उसे ऐसा नहीं करने देती है। करीब 10 मिनट तक ऐसा चलता रहता है और अंत में वो जो ब्लैक शेडो थी वो हार के उससे कमरे से बाहर चली जाती है। जब ये तीनों उठते हैं, थोड़ी शांति होती है, तो सब अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो टीमो है वो कहता है कि मैंने नीचे ज़मीन पर दो शेडो देखे, ब्लैक एंड वाइट, मगर मुझे नहीं मालूम ये क्या थे। और जो लीना है वो कहती है कि मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, मगर मुझे आभास नहीं हुआ कि मैं कुछ बता सकूं। मगर जो एनलीना है ये
उस बारे में कुछ नहीं कहती है और बिल्कुल चुप रहती है। जो लीना जो है डिक्लेयर नहीं करती है कि उसको क्या अनुभव हुआ। जब ये सब बता चुकते हैं तो एलिना बताती है कि मैं आध्यात्मिक काम करती थी पहले। प्लेंचेट होता है जिस पर कि ये आत्माएं बुलाई जाती हैं, उनसे विवाद या पूछा कुछ जाता है। मैं ऐसा करती थी, तब से मैंने ये काम छोड़ दिया है, मगर इन आत्माओं ने मुझे नहीं छोड़ा है और ये मेरे पीछे लगी हैं। टीमो का ये फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम था टीमो का कि उसने ऐसा विवाद देखा रोशनी में और अंधेरे में, ज्योति में और अंधेरे में ऐसी लड़ाई हुई। तो उसको ऐसा मालूम पड़ा कि ये सही है कि शैतान और क्रिस्ट के अंदर ऐसा विवाद चल रहा है। उस दिन टीमो जो था बैप्टाइज होने वाला था, अपना बैप्टिज्म 7 डे में लेने वाला था, और ये ऐसा इंसान था कि अगर एक बार सो जाता था वो अच्छी गहरी नींद में सोता था, उसको कुछ पता नहीं पड़ता था। मगर वो सोया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को कोई देख रहा है और कोई मेरे पास आके बैठा है, जो कि सुबह तक मेरे पास बैठा रहा। इसी समय जो लीना थी उसको भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वो तीनों जब मिले तो उनने कहा, कल रात को तुम्हें क्या हो रहा था, तुम इतने परेशान क्यों थे? उनने कहा, कुछ नहीं, मेरे संग ऐसे ही हुआ था और इस समय इसका बैप्टिज्म हो चुका था। बैप्टिज्म के बाद जो एलिना थी उसके पास कभी भी ऐसी ये स्पिरिट्स या भूत प्रेत के जो हैं इस दुनिया में कभी नहीं आए और वो चैन से रहने लगी। मगर टीमो का जो था वास्ता अक्सर इन ऐसी स्पिरिट्स और ऐसी बातों से होता रहा। जब एक दफ़ा वो लोग सब जने बैठे हुए थे और इनको ये मिला, समाचार मिला कि आपको स्वीडन में जाना है, एक पास्टर मीटिंग है, तो ये सब एक छोटी सी फेरों पर पहुंच गए, तैयार हो गए जाने के लिए। रात हुई, सब अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। टीमो जो था सोया, मगर वो अच्छी नींद नहीं सो पाया, उसको बड़ी बेचैनी थी। वो उठा और उसने करीब 2 घंटे तक प्रेयर करता रहा। इसी समय दूसरा पास्टर जो था उसको आत्मा ने, पाकरू ने आके बताया, तुम उठो और टीमो के लिए दुआ करो, वो परेशान है। उनने कहा ठीक है, वो भी उठा, उसने दुआ करनी शुरू करी। तीसरा पास्टर जो था उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी, बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बाहर देख कर आया और उसने देखा कि एक आदमी जो है आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसको बुला, उसके पास गया, उसको लेकर आया, अपने पास बिठाया, समझाया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हें खुदा के पास आना चाहिए, अपनी जो भी परेशानी है तुम खुदा को बताओ। और ऐसा करते करते जो है वो सुबह हो गई और ये सब जने आके एक चाय के टेबल पर मिले। जो दूसरा पास्टर था जो रात को दुआ कर रहा था, उसने टीमों से पूछा, क्या बात है, तुम रात को इतने परेशान क्यों थे? मुझे पाकरू ने आके बताया कि तुम परेशान हो और मुझे तुम्हारे लिए दुआ करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहा। उसने कहा, मुझे परेशानी थी, मैं बहुत परेशान था, क्योंकि एक साया मेरे पास आया और वो उसकी हंसी बड़ी डरावनी थी और उसने पूछा, क्यों तुमने बैप्टिज्म नहीं लिया? और खूब ज़ोर से वो हंसा, मैं डर गया और मैं दुआ करने लगा कि हाँ, इसी समय जब तुम दुआ कर रहे थे मेरे पास भी पाकरू आई और उसने कहा टीमो परेशान है, वो बहुत ही असहाय अपने को फील कर रहा है, तुम उसके लिए दुआ करो। तो तीसरा पास्टर भी उनके पास आया और उसने कहा, मुझे भी उस दिन उस रात को बड़ी परेशानी थी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी थी, जैसे ही मैं बाहर आया मुझे एक आदमी जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार मिला, मैंने उसको बुलाया, समझाया और वो वापस अपने कमरे में लौट गया। ऐसे ही तीनों बातें कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि देखिए, खुदा जो है अपने बंदों को किसी न किसी तरह बचा लेता है। टीमो जो हैं उन्होंने पास्टर की ट्रेनिंग ली और अब वो कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं और हमारे लिए बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे बातें हमें बताते हैं। और जो इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का लीना, वो भी अपने काम में लग गया। एनेली जो थी
जो आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को पहले दे चुकी थी, बुरी बातों में फंस चुकी थी, भूत प्रेतों में, वो भी छोड़ के एक अच्छी एडवेंटिस्ट बन गई और इन लोगों ने अपना काम शुरू करा। इसलिए आप अपनी सारी परेशानियाँ, सारे दुख तकलीफ जो भी आपके पास हैं, अपने पास खुदा के पास लाइए, वो उनका निकास करेगा, रास्ता बनाएगा और आपको शांति देगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सैबथ। आप सबका स्वागत है आज के सैबथ स्कूल में। और जैसा कि हम आज के जो लेसन का जो टॉपिक है वो है सृष्टि, नींव के रूप में उत्पत्ति, या जिसको हम अंग्रेजी में कर सकते हैं सैबथ क्रिएशन, जेनेसिस एज फाउंडेशन। और आज का जो लेसन है ये बेसिकली दो भागों में विभाजित है, और इस वीक हम या इस हफ्ते हम जो है उसके पहले पार्ट को हम पढ़ने सीखने जाएंगे। सो आइए, जिससे पहले कि हम इस पार्ट को पढ़ने जाए, हम अपने याद वचन में जाते हैं जो कि पाया जाता है यहूना की इंजील उसके पहले बाब की 1-4 आयत में, जहां पर ये इस प्रकार लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सो आज के हमारे लेसन स्टडी के डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद है पास्टर उल्फत मसीह। सो आइए, जबकि हम इस लेसन की स्टडी के लिए हम जाते हैं, सो बेसिकली हम इसके अंदर पाते हैं कि किस तरीके से उत्पत्ति की जो पुस्तक है वो एक फाउंडेशन या एक नींव रखी गई है बाइबल के सारे स्क्रिप्चर्स को लेकर के। और अगर हम जब इसमें पढ़ते हैं, वी फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि गॉड हेड, या जिसकी हम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, हम सैबथ की बात को करते हैं, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, और किस तरीके से पाप इस जगत में आया, और ना सिर्फ पाप आया लेकिन किस तरीके से उस पाप का जो प्लान ऑफ सल्वेशन है वो इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और हम इसमें ये पाते हैं कि किस तरीके से भविष्यवाणियों की जो शुरुआत हुई है वो इस पुस्तक से शुरू हुई है, और किस तरीके से हम जो है उत्पत्ति को हम प्रकाशित वाक्य से रिलेट करेंगे, कि किस तरीके से कि जो भविष्यवाणियों की शुरुआत उत्पत्ति से हुई है और उनका जो एंड होगा, खात्मा होगा, वो किस तरीके से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में होगा। तो जबकि हम इस लेसन की स्टडी के आगे के भागों में जाते हैं, हम ये पाते हैं कि बेसिकली ये पांच पार्ट्स में विभाजित है। तो पहला भाग हम करेंगे, जो सीखेंगे, जो कि है इन द बिगनिंग, की शुरुआत में क्या था। उसके बाद हम जो 7 दिन की जो क्रिएशन हुई है, इस सृष्टि की जो रचना हुई है, उसके बाद हम सैबथ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम सृष्टि के दौरान जो मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन को रखा गया, और फाइनली क्रिएशन, द फॉल एंड द क्रॉस। तो ये 5 भागों में हम इस भाग आज के लेसन को विभाजित करते हैं। मिस्टर अंशुमन, जैसा कि आपने ये आयत याद वचन पढ़ा यूहन्ना 1 और उसकी 1-4 आयत तक, तब मैं उत्पत्ति का पहला अध्याय देख रहा था, उसके पहला बाप और उसकी पहली आयत, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आप इस आयत को यूहन्ना 1 और उसकी 1-4 तक से कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, कुछ इस पर रोशनी डालें। थैंक यू सो मच पास्टर मसीह, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम जेनेसिस 1:1 को पढ़ते हैं, वहां पे ये लिखा है कि इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। और अगर हम कई बार हम देखते हैं कि एक डार्विनियन थ्योरी हुई है कि एवोल्यूशन की थ्योरी, कि इंसान जो है बंदर के रूप में था और फिर जैसे जैसे धीमे धीमे वो डेवलप होता चला गया और फिर वो इंसान बना, और कई लोग का वो थ्योरी कहती है कि कोई एटम एकदम से फटा था और इंसान की रचना हो गई थी। लेकिन अगर हम इन सबको देखते हैं और जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर इंसान का जो सृष्टि हुई है वो किसी एक एक्सीडेंट के रूप में नहीं हुई है, ना वो किसी बंदर के द्वारा हुई है। लेकिन अगर हम देखें इस पूरी रचना के अंदर, जब ह्यूमन इंसान की जब रचना हुई, तब उसके अंदर सबसे अहम रूप जो प्ले किया गया था वो प्ले किया गया था बाय द ट्रिनिटी।
और उसके अंदर भी जो सेंट्रल फोकस जो इनमें पाया जाता है वो पाया जाता है खुदावन यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि अगर हम देखें तो फिर से अगर हम यूहन्ना 1:1-3 में पढ़ते हैं, और उसी को मैं आगे रिलेट करूंगा रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले बाप की 8वीं आयत और रेवलेशन 22:13। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा एक सवाल है कि जो प्रकाशित वाक्य है वो किसके बारे में, किसका प्रकाशित वाक्य है? प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रकाशित वाक्य जो है वो प्रभु खुदावन यीशु मसीह का है, और यही चीज उसके अंदर वो बताता है खुदावन यीशु मसीह की, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। और ये एक बार नहीं, ये रेवलेशन 1:8 में भी बताया जाता है और रेवलेशन 22:13 में भी खुदावन यीशु मसीह बार बार बताते हैं कि आदि में, आदि से मैं था। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा सेज द लॉर्ड गॉड हु इज एंड हु वाज एंड हु इज कम टू कम द ऑलमाइटी। तो अगर हम ये बात करते हैं कि इंसान की रचना एक्सीडेंट के द्वारा हुई है, तो ये जो थॉट है या ये जो स्टडी है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है कि खुदा ने मनुष्य को अपनी ही इमेज में रचा है। कहने का तात्पर्य आपका ये है मिस्टर अंशुमन कि इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अर्थात ट्रिनिटी इसमें शामिल थी, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा इंसान की जो है उत्पत्ति हुई है। आइए अब हम सोमवार की लेसन स्टडी में जाते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि द डेज ऑफ क्रिएशन या सृष्टि के दिन। अंशुमन जी, यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, ये जो यहाँ पर दिनों का जिक्र किया गया है ये सिर्फ चिन्हात्मक थे या फिर सही में थे? जैसे 24 घंटे को हम इसको कैसे दिनों से रिलेट कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पास्टर मसीह। तो पहले जबकि हम अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं जहाँ पर पूरा ये सृष्टि का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरीके से प्रथम दिन में परमेश्वर ने दिन और रात करा, फिर आसमान और जमीन की रचना हुई, फिर किस तरीके से सूखा जमीन और पानी और फिर जो जितने भी घास और ये इनका जो रचना किया, फिर किस तरीके से चौथे दिन चांद और सितारों की और दिन और रात की रचना हुई, और इस तरीके से जब हम पूरी क्रिएशन पे जाते हैं। और अगर हम इसको आगे एक आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि हम जब इजरायली जब मिस्र देश से निकले थे तो वहाँ पर खुदा ने उनको मन्ना प्रोवाइड किया था। तो वो जो मन्ना था वो उनको 6 के 6 दिन मिलता था, लेकिन 7वें दिन जो कि सैबत का दिन था तो उस दिन वो मन्ना उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता था। तो अगर हम जैसा आप जो कह रहे हैं कि चिन्हात्मक को प्रतीक किया जाता है तो ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि खुदा ने आज एक दिन में पहले दिन सपोज उन्होंने दिन और रात को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लिया, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो इनको 6 दिन मन्ना प्रोवाइड किया जाता था तो वो 6 दिन मतलब सिर्फ एक ही दिन होता था और फिर उसके बाद कई सदियाँ बीतती थी? मेरा सवाल फिर से ये है कि बाइबल कहती है कि सांझ हुई और सवेरा हुआ, तो यानी पहले परमेश्वर ने इंसान के आराम के लिए सोचा, तो इसलिए उसने सांझ बनाई, फिर सवेरा उसके काम के लिए। यहाँ पर 24 घंटे या किसी घंटों का जिक्र नहीं किया, सवेरे और शाम यानी सूर्य अस्त और सूर्य निकलने के समय को एक दिन माना गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अगेन जब हम उत्पत्ति से ही पढ़ते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है कि सांझ हुई तथा भोर हुई और इस तरीके से पहला दिन बीत गया। इसी तरीके से जब हम सैबत की भी बात करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह को जब सूली पर जब टांगा गया था उसके बाद सैबत का दिन कब शुरू हुआ था? सूर्यास्त होने वाला था जब उनको क्रूस से उतारा गया था और उसके बाद उनको उस कब्र में डाला गया था, तब वो क्या कह रहे थे कि तैयारी का दिन समाप्त होने वाला था और सैबत शुरू होने वाला था। तो इसी तरीके से हम पूरी बाइबल के अंदर कई बार हम ये पाते हैं कि दिन की जो शुरुआत होती है वो सूर्य अस्त से होती है, और ताकि जो इंसान क्योंकि खुदा भी जानता था कि इंसान के लिए आराम करना कितना ज़रूरी है ताकि वो रिफ्रेश हो, रिचार्ज हो और उसके बाद अपने काम पर लगे। आइए अब हम मंगलवार के लेसन में जाते हैं जिसका नाम है सबत एवं सृष्टि।
अंशुमन जैन, जब मैं मंगलवार का ये टॉपिक देख रहा था, इसमें सैबत एवं सृष्टि का जिक्र है। मेरा सवाल यह है कि सृष्टि की रचना में सैबत से क्या संबंध है? देखिए, अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा पास्टर मसीह कि सृष्टि की रचना का सैबत से क्या रिलेशन है, तो देखिए हमारा खुदा ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। विश्राम क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जब पूरी रचना करी, सृष्टि करी, उसके बाद उन्होंने एक चीज बोली थी कि और वो बहुत खूबसूरत है या अच्छा है। यानी कि खुदा ने जब अपनी पूरी रचना करी, जिसमें उसने आदम और हवा की भी रचना करी, तो इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ उस अपनी रचना को एक खूबसूरत बताया, लेकिन उसके साथ उन्होंने उस रचना को ग्लोरीफाई भी किया। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़ेंगे, जहाँ पर यह लिखा है कि 7वें दिन, मैं चाहूँगा आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत को पढ़ें। यहाँ पर यूँ लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यहाँ पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे को 3 ख्याल आते हैं सबत को लेके। पहला बात जो ख्याल आता है वो ये आता है कि खुदा ने सबत की रचना करी, क्योंकि उसने 7वें दिन उसने काम को खत्म किया तथा विश्राम किया। तो एक तरीके से खुदा ने क्या किया कि सबत की रचना करी। ना सिर्फ खुदा ने सबत की रचना करी, अपितु उसने सबत को बरकत भी दी या उसको ब्लेस किया। और ना सिर्फ उसको ब्लेस किया, लेकिन उसको जो है पवित्र भी ठहराया। और यही अगर हम सबत की बात की गहराइयों को अगर हम और थोड़ा सा पढ़ना चाहें, तो जबकि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें बाब के 8 से लेकर 11 आयत पढ़ते हैं, जहाँ पर ये जो हमारा चौथा वचन है, जो कि ये या चौथी आज्ञा है, वो ये बताता है कि 6 दिन तो तू काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे लिए विश्राम का दिन हो। और ना सिर्फ कई लोग ये भी सोचते हैं कि सबत का दिन, क्योंकि ये पुराने ऐहदनामे में है, तो वो सिर्फ पुराने नियम तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। इसी के कंटिन्यूशन में पास्टर मसीह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें बाब की 11वीं आयत को भी पढ़ें। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ जबकि हम पाते हैं, देखिए, जबकि हमने निर्गमन में भी पढ़ा और हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, कि जहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आसमान, जमीन और जल और इन सब की रचना करी, तो एक यहाँ पर एक बहुत क्लियर कोरिलेशन आ रहा है कि चाहे कि जब कई लोग ये सोचते हैं कि सैबत जो है अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सैबत की रचना क्यों हुई और किसने करी, जबकि गॉड एट ट्रिनिटी, और जबकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस पूरे रचना का जो सेंट्रल फोकस है जो कि खुदावन यीशु मसीह है, उसी तरीके से रचना से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक सैबत जो कि कमांडमेंट होगा, वो एक बहुत ही ज्यादा सेंट्रल फोकस होगा उसके खुदा और उसके लोगों के बीच में। इसी तरीके से मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बार मरकुस की इंजील उसके 2वें बाब की 27वीं आयत को पढ़ें। और उसने उनसे कहा, सैबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सैबत के दिन के लिए। बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि सैबत का दिन किसके लिए बनाया गया है? हम मनुष्य के लिए, हमारे लिए, ना कि मनुष्य सैबत के दिन के। बिल्कुल। तो कई बार लोग सोचते हैं कि सैबत का दिन बहुत ज्यादा हमारे लिए बोझ ना बन जाए, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा है कि सैबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब मनुष्य अपने सारे काम काज से रेस्ट लेकर के एक खुदा के साथ अपना एक समय व्यतीत कर सके,
उसकी जो रचना है या उसने जो आशीषें उसको हफ्ते भर की दी हैं उसका उससे शुक्रगुजार करें, उसके साथ एक कम्युनियन करें। तो सैबथ बिकम्स अ वेरी फोकल पॉइंट। और जो कि हमने जो अभी पढ़ा था कि जब दोबारा मैं उस कंपैरिजन पे आता हूँ जो कि हमने किया था रेवलेशन 14:7 और निर्गमन 20:11 से, कि किस तरीके से ना सिर्फ शुरुआत में उत्पत्ति के समय लेकिन अंत समय में भी किस तरीके से सैबथ कमांडमेंट एक खुदा और उनके लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आने वाले समय में प्ले करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपकी बात में इससे ये समझा हूँ कि सैबथ जो है वो सृष्टि की यादगार है, यादगार के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया। जब हम सैबत का पालन करते हैं, सैबत को मानते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा पास्टर मसीह, कि जो हमने जो कंपैरिजन किया है जो रेवलेशन 14:7 और निर्गमन 20:11 से, कि किस तरीके से सैबत का जो कमांडमेंट है वो एक तरीके से आने वाले समय में खुदा के लोग और खुदा के बीच में एक उसकी वाचा का कार्य करेगा। और ये सैबथ का जो है हम देखते हैं कि ये ना सिर्फ निर्गमन या रेवलेशन में लेकिन उत्पत्ति में भी पाया जाता है, कि जब खुदा ने सृष्टि की रचना करी और उसको ब्लेस किया और उसको पवित्र ठहराया, आशीषित करा। लेकिन अगर हम यशाया नबी की पुस्तक उसके 66:23 में पढ़ते हैं तो यही सैबथ हम ना सिर्फ इस धरती पर लेकिन जब हम 1000 वर्ष के लिए जब खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी और जब हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे तो यही सैबथ हम वहां आसमान में भी उसके साथ मनाएंगे। आइए अब हम बुधवार के लेसन स्टडी में जाते हैं जिसका नाम है सृष्टि एवं विवाह। तो पादरी साहब, मैं चाहूंगा कि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26:28 को पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उन्हें मनुष्यों की सृष्टि की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन खुदा के लिए कितना इम्पोर्टेंट था उसने, और जैसा मैंने हमने डिस्कस भी किया कि आजकल जो है इतने डिवोर्स हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि खुदा ने मैरिज को बहुत ही पवित्र जाना। और इसी से ही रिलेटेड हम आप मैं आप चाहूँगा कि आप मती की इंजील उसके 19:3-6 को पढ़ें। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कुछ सही, बहुत खूबसूरती के साथ आपने पढ़ा पाई साहब। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहेंगे कि दुल्हन किस बात को रिप्रेजेंट करती है? मनुष्य, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। और दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, और इसी तरीके से हम भी जो खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है, हमें भी हमारे और खुदा के बीच में, खुदावन यीशु मसीह के बीच में अगर कोई भी आता है, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो या हमारे पत्नी या हमारे बच्चे भी क्यों ना हो, हमें उन सबको छोड़ करके एक तन किसके साथ होना है? परमेश्वर के साथ। और यही जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इट इज नॉट ओनली की बिटवीन द ह्यूमन बींग, पर यही जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ये एकाकीपन बताता है खुदावन यीशु मसीह जो कि हमारा दूल्हा है और हम जो उसकी आत्मिक दुल्हन है। आइए अब हम आगे चलते हैं गुरुवार के पाठ में जिसका शीर्षक है सृष्टि, पतन और क्रूस। तो अगर हम यहाँ देखते हैं पादरी साहब, यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहली चीज है सृष्टि,
दूसरा है पतन और तीसरा है क्रूस। तो अगर हम उत्पत्ति 1:31 में पढ़ते हैं जहां पर ये लिखा है कि खुदा ने सब कुछ देखा और कहा कि वो कैसा है, अच्छा है, अच्छा है। तो यानी कि जब सृष्टि की रचना हुई और चाहे वो आदम और हवा की भी जो रचना हुई वो कैसी हुई थी, अच्छी थी, परफेक्ट थी। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं उत्पत्ति 2:15-7 और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे बाब की 15-17 आयत को पढ़ें। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगर हम इन आयतों को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम ये पाते हैं कि अक्सर शैतान का ये अटैक रहता है खुदा के प्रति कि वो अपनी मर्जी लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर थोपना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है, खुदा ने कहा है कि तुम्हारे को बिल्कुल बेखटका उसने बोला है कि तुम जो चीज, जिस पेड़ का फल खाना चाहते हो उसको खाओ, लेकिन एक फल के लिए खुदा ने मना किया था। और अगर हम मिसेस एलन जी वाइट की राइटिंग्स को भी पढ़ते हैं तो वहां पर एक तरीके से वो कंडीशनिंग दी थी खुदा ने, खुदा ने कभी फोर्स नहीं किया था। फ्रीडम ऑफ चॉइस खुदा ने हमेशा लोगों को दी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इंसान जो है कि खुदा ये चाहता है कि जैसे हम मशीनों को जो को हम प्रोग्राम करते हैं, तो खुदा कभी भी इंसानों को प्रोग्राम नहीं करता है, उसने हमेशा एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दी थी। और ये जो जो बागे अदन में भले और बुरे का जो वृक्ष भी लगाया गया था, तो मिसेस वाइट बड़ी खूबसूरती से बताती हैं कि वो एक तरीके से एक वाचा के रूप में रखा गया था कि क्या ये आदम और हवा जो मेरी क्रिएशन है, क्या वो मेरी इस आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और इसी के आगे हम जब चलते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे बाब की 1-7 में भी अगर हम पाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मनुष्य का पतन होता है, किस तरीके से। जबकि अगेन मैं कोट करूंगा मिसेस वाइट को कि उन्होंने कई बार जब बागे अदन की जब रचना हो गई थी और आदम हवा भी थे तो ना, तो कितनी बार फरिश्ते आते थे और उनको काउंसिल करके जाते थे कि स्पेशली हवा को भी उन्होंने यही काउंसिल किया था कि देखो तुम अलग मत जाना, हमेशा दोनों साथ रहना, क्योंकि अलग जाओगे तो शैतान गिरा दिया गया है और वो तुमको टेम्प्ट करेगा। और जैसा कि हम पाते हैं कि किस तरीके से जब वो हवा वहां गई, उसने उस वृक्ष को देखा, उसको खूबसूरत लगा और शैतान ने जो है सर्प के रूप में आकर के उसको बहकाया और उस पाप में उसको लालायित किया कि उस फल को तोड़े, उसको खाए, और ना सिर्फ वो खुद खाए लेकिन अपने पति को भी उसने फिर उसको खिलाया। और यहाँ जो होता है मनुष्य जो है पाप में गिरता है। सो आइए, जबकि हम अपने इस लेसन स्टडी को एंड करते हैं इस हफ्ते की, तो मैं गुजारिश करूंगा पादरी साहब से कि वो हमारे लिए रोमियो की पुस्तक उसके 5:12 को पढ़े। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सब ने पाप किया। थैंक यू पादरी साहब इस आयत के लिए। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप रोमियो की पुस्तक उसके 6:23 आयत को भी पढ़ें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसमें अनंत जीवन है? परमेश्वर के वरदान में, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह में। सो जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे हम उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, तो पूरी बाइबल के अंदर जो सेंट्रल फोकस है वो हम पाते हैं खुदावन यीशु मसीह में। तो जिस तरीके से जब बागे अदन में जब सृष्टि हुई थी और अब जो हम एक नया नई धरती जब उतरते हुए देखेंगे, उसमें भी क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर का निवास उसके लोगों के बीच मध्यस्थ रहेगा और हम लोग जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो कि हम संत कहलाए जाएंगे, तो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह की
यगानगत हमारे साथ हमेशा हमेशा तक रहेगी। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। आसमां के नीचे और कोई ना मिले, सारी दुनिया को ले बचा। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। नजर हो तुझ पर चलूं तेरे संग संग सदा। आ गई हूँ मैं खुदा, सुन ले मेरी ये दुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी सैबथ स्कूल टीम का। आइए प्रभु से मुलाकात करने के लिए डिवाइन सर्विस में चलें।
आज की स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना उसका दूसरा बाप उसकी 10-11 आयत। यूहन्ना उसका दूसरा बाप उसकी 10-11 आयत। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखिल देता है अब और जब लोग पीकर छप जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु के वचन के पाक वचन पे पढ़े और सुने जाने पे आशीष दें। आइए प्रभु की हुजूरी में जाएं और प्रार्थना करें। जो घुटने टेक सकते हैं वो घुटने टेके और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हों। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। प्रभु हम पापी आपके सामने कुछ नहीं लाते लेकिन सिर्फ धन्यवाद और महिमा के शब्द लाते हैं। प्रभु हम पापी हमने जो भी पाप करे उसका अंगीकार करते हैं और चाहते आप उन्हें माफ़ करें। इस समय वे स्पेशली दुआ करते आज के वक्ता के लिए कि चाहते आप उनकी होठों को छुएं और जो भी वचन उनके मुंह से निकले वो आपकी तरफ से हो। जब पूरी दुनिया COVID-19 के इलाज के लिए इधर उधर ताक रही है, प्रभु हम आपके पास आते हैं। आपके पास हर बीमारी का इलाज होता है प्रभु, हम चाहते और आप चाहें तो इस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। प्रभु हम पापियों पर रहम करें और इस बीमारी को दूर करें। वैसे समय डॉक्टर्स, नर्सेज और दुनिया भर के लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, उन्हें आप अपने स्पेशल गाइडेंस और प्रोटेक्शन में गाइड करें। प्रभु चर्च लीडर्स के लिए भी दुआ करते हैं, जब वो दुनिया भर चाहते हैं जल्द से जल्द वो आपका वचन दुनिया भर में फैला सके और उन्हें प्रोटेक्ट करें और उन्हें आशीष दें। और दुआ करते हैं व्यूअर्स के लिए जो आज इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ वो भी सब आप उन सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विश्वास के साथ ये दुआ मांगती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे वक्ता डॉक्टर रितिका कैसी के लिए कि वो आए और आज के वचन की रोटी तोड़े। आप सबको एक बार से सबत की शांति मैं विश करती हूँ यीशु मसीह में। हम सब जब यहाँ पर परमेश्वर के पाक दिन में इकट्ठा होकर ऑनलाइन सर्विस द्वारा परमेश्वर के महिमा और परस्तिश करने जुड़े हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो वचन मैंने आपके लिए और मेरे लिए चुना है वो है यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाप और उसकी 1-12 आयत में जो कहानी पाई जाती है कि काना के गाँव में, छोटे से शहर में एक विवाह चल रहा था और यीशु मसीह अपनी माँ और कुछ चेलों के साथ वहां पर विवाह जो था वो अटेंड करने गए हुए थे। और ये वो मौजीजा है, वो मिरेकल है यीशु मसीह का जो हमें बाइबल बताती है कि ये यीशु मसीह का पहला मिरेकल था। कई बार मैं सोचती हूँ कि ये यीशु मसीह का पहला मिरेकल क्यों था, इससे बड़े बड़े और भी वंडरफुल अमेजिंग मिरेकल्स यीशु मसीह ने जो थे वो पहले बाद में किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदगी दी, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को उन्होंने चंगा किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लेकिन ये देखने में इतना सादा सा मिरेकल है कि पानी को क्या करा है, दाखरस में बदल दिया है। क्यों ये यीशु मसीह का पहला मिरेकल है? और उसका जवाब जब मुझे मिला तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी वो जवाब इस सबत शेयर करूं। इसीलिए आज जो टाइटल मैंने सोचा है वो है फिल एंड सर्व, भर दें और फिर परोस दें या दूसरों तक पहुंचा दें, दूसरों को दे दें। अगर हम 6 आयत पढ़े 2 बाप यूहन्ना की इंजील में, तो वहां लिखा है वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो यहाँ पे ये 6 मटके हैं जो हम देखते हैं, ये मटके जो थे वहां पे रखे हुए थे और ये किस काम में आते थे? यहूदियों के जो सफाई की, जो प्यूरिफिकेशन की जो रीति थी, शुद्ध करने की रीति थी, जब उनके घर कोई मेहमान आता था तो वो क्या करते थे, उनके हाथ और पांव धोते थे और फिर वो घर में मेहमान प्रवेश करता था। और जाहिर सी बात है कि ये मटके शायद खाली हो, क्योंकि अगली आयत में यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि उनको मुंह तक
भर दो, क्योंकि ये मटके मटकों में जो पानी था वो घर में आए मेहमानों के शुद्ध की शुद्ध करने की रीति को हम देखते हैं को के प्रयोग में वो पानी क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। और उसके बाद यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि जो उस घर के सर्वेंट्स हैं उनसे कहते हैं कि अब पानी निकालो और जो भोज का प्रधान है उसको जाके और सर्व कर दो। और हम देखते हैं कि जब मैं सोचती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि जब वो सर्वेंट भोज के प्रधान तक पानी लेकर गया होगा, उस वो बहुत कंफ्यूज होगा और उसके मन में अजीब सा डर होगा और उसका जो दिल है वो शताब्दी की तरह दौड़ रहा होगा और उसके पांव कांप रहे होंगे, क्योंकि उसे लग रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसमें पानी है और मुझे क्या कहा गया है, भोज के प्रधान को पिलाने को कहा गया है और अब मेरा क्या हश्र होगा मैं नहीं जानता। फिर भी थोड़ा उसमें शायद विश्वास था, क्योंकि मरियम ने उन सर्वेंट्स को यही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जैसा जैसा मेरा बेटा कहे वैसा वैसा करना, और वो कांपते हुए हाथों के साथ शायद जो ट्रे है वो लेकर और उस प्रधान के पास गया होगा। और जैसा आज स्क्रिप्चर रीडिंग में हमने आपके हमने पढ़ा कि जब वो प्रधान उसको चखता है तब जाके शायद उस नौकर की जान में जान आई होगी, क्योंकि वो प्रधान कहता है कि ज्यादातर लोग सबसे अच्छा दाखरस पहले पिलाते हैं और जो घटिया किस्म का होता है वो बाद में जो है वो परोसा जाता है, क्योंकि तब तक लोग छक कर क्या हो चुके होते हैं, संतुष्ट हो चुके होते हैं, तृप्त हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर तूने बिल्कुल उल्टा किया है, तूने पहले ऑर्डिनरी सा आम दाखरस पिलाया और अब जो है तू उत्तम क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का दाखरस जो है वो सर्व कर रहा है। फर्स्ट की दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, मैं आपके सामने थ्री कीज यहाँ पे पेश करूंगी, तीन कुंजियां आपके सामने शेयर करूंगी और अगर हम उन तीन कुंजियों को फॉलो करें तो शायद हम यीशु तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात, वो जो मटके थे वो क्या थे, वो खाली थे। यीशु मसीह से अगर मुलाकात करनी है तो हमें अपने आप को खाली करना होगा, हमें अपने आप को, अपने प्री नोशंस, प्री कॉन्सेप्ट, हमारे प्राइड को, हमारे ईगो को, हमारी जो पुरानी खुद की विचारे हैं, विचार धारणाएं हैं, हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अपने दिमाग में भर रखी हैं पढ़कर, देखकर, सुनकर, हमें वो सब जो है वो खाली करना होगा, तब ही यीशु मसीह अंदर हमारे मनों में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम भी उस यंग रूलर की तरह यीशु मसीह के पास आए जो ये सोचे कि मैं तो सब कुछ करता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं सब जानता हूँ, तो यीशु मसीह का जवाब क्या होगा, वो भी यीशु मसीह ने जैसे उसे लौटा दिया था, यीशु मसीह हमें भी लौटा देगा, क्योंकि वो यंग रूलर यही कहता है यीशु मसीह से, ये आज्ञा है तो मैं क्या करता हूँ, बचपन से मानता आया हूं। फिर भी उसने अपने आप को खाली नहीं किया था, क्योंकि उसके अंदर संसार का प्रेम भरा हुआ था। हमें भी अपने आप को खाली करना है, तब ही यीशु मसीह हमारे अंदर पानी, जीवन का पानी भर सकते हैं और तभी हम उनके किसी काम आ सकते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब उसको उन नौकरों को पानी भरने को कहा, पानी की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम यहूना की इंजील और चार बाप में पढ़ें और उसकी 10 और 14 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं और यीशु उसको क्या कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और 14वीं आयत में यीशु मसीह के ऊपर इस बात पे और खुलासा करते हैं और कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये दो बात हमें ध्यान में रखनी है, जीसस इज द लिविंग वाटर, और अगर
हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो, तो हमें एक खाली बर्तन यीशु मसीह के लिए बनना पड़ेगा, ताकि वो हमें ऐसा पानी दे कि हम फिर कभी प्यासे ना हो, ताकि वो हमें ऐसा पानी दे कि हम खुद दूसरों के लिए अनंत जीवन के लिए एक ऐसा सोता बने जहां से यीशु मसीह का जीवनदायक पानी जो है वो निकलता है, और हम ना तो कभी प्यासे होंगे ना कभी सूखेंगे, और 12 महीने 24 घंटे हमारे अंदर फल लगेंगे। यीशु मसीह ने जब उस सर्वेंट को कहा कि पानी को सर्व कर दे, वो सर्वेंट नहीं जानता था कि उसमें क्या है। उसने अपनी समझ का सहारा लेकर यही समझा था कि इसमें पानी है। ये हमारी दूसरी कुंजी है, क्या हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, और चलते हुए भी क्या हम यीशु मसीह को नहीं जानते? क्या हम उन दो चेलों के समान हैं जो इमाउस की रोड पर चल रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं, उनको सारी बातें समझाते हैं, पर पूरे रास्ते वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते कि हमारे साथ जो चल रहा है, जो बातचीत कर रहा है, और जो हमें ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में ही समझा रहा है, वो कौन है? कहीं ऐसा ना हो हम जानते हुए भी ना जान पाए, जैसा वो सर्वेंट, वो सेवक जानता था कि उसमें पानी है, पर फिर भी नहीं जानता था कि वो पानी अब क्या बन गया है, दाखरस बन गया है। दाखरस की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 15 बाब और उसकी 1 आयत। यहां पर यीशु मसीह साफ कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम मुझ में बने रहो, चौथी आयत में कहता है, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे, तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल ला सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। भाइयों बहनों, जब तक हमारी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं होती, तो हमारे अंदर वो जीवन के सोतों का पानी नहीं भर सकता, और जब तक हम उसको नहीं पहचानते, जब तक हम उसे अलाउ नहीं करते कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे जीवन को बदले, तब तक हम भी दाखरस नहीं बन सकते, हम भी उस सच्ची दाखलता में ग्राफ्टेड ब्रांचेस नहीं बन सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर फल आए, और बाइबल हमें बताती है कौन से फल, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 22 से 25 में हम सब जानते हैं कौन से पवित्र आत्मा के फल जो है हमारे अंदर होने चाहिए, जो बताते हैं, जो निशान है कि हम यीशु मसीह में बने हुए हैं या नहीं। गलातियों 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हम व्यवस्था के सामने निर्दोष रहें, तो हमारे अंदर ये फल होने चाहिए, और ये फल हमारे अंदर तभी होंगे जब हमारी यीशु मसीह से ऐसी मुलाकात हो जाए जैसे उस सामरी स्त्री की हुई थी, या हमारी यीशु मसीह से ऐसी मुलाकात हो जाए जैसे उस अंधे की, जिसकी आंखें यीशु मसीह ने खोल दी और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, या उस स्त्री की तरह जिसको 12 साल से लहू बहता था, हजारों की भीड़ यीशु मसीह पे टूट रही थी, लेकिन जब उसने छुआ यीशु मसीह को तो उसका एक मकसद था। हमारा मकसद क्या है? क्या हम वाकई यीशु मसीह को जानते हैं? क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो ही हमारे अंदर जीवन का सोता फूटेगा, और अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो ही हमारे अंदर का ये जल जब हम दूसरों को परोसते हैं अपनी सेवकाई के द्वारा उत्तम दाखरस बन सकता है। क्या हम उस सर्वेंट की तरह तो नहीं जो जानते हुए भी कुछ नहीं जानता था? अगर ऐसा है तो हम अनजान रह जाएंगे, और हमें यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, और किवाड़ बंद कर दिए जाएंगे। आप और हम जो मसीही कहलाते हैं, क्या हम और आप यीशु मसीह के साथ जो बचपन से, पैदाइश से या जवानी से चलते आए हैं,
हम यीशु मसीह को वाकई जानते हैं? क्या यीशु मसीह ने हमारे अंदर जीवन का सोता भरा है? क्या जब हम दूसरों की सेवकाई करते हैं, क्या हम वो दाखरस जो यीशु मसीह चाहता है हम दूसरों तक पहुंचाएं, हम दूसरों तक पहुंचा पाते हैं? ये काम केवल यीशु मसीह कर सकता है भाइयों बहनों, कि आपके और मेरे अंदर जो जीवन का जल है उसको उत्तम दाखरस में बदल दे। यही हमारी तीसरी कुंजी है। क्या हम इतना सा भी विश्वास करते हैं उस सर्वेंट की तरह जो जानता था उसमें पानी है, फिर भी बिना ना नुकर किए, बिना इधर उधर ताके, एक छोटे से विश्वास के साथ कांपते हुए उस प्रधान, भोज के प्रधान के पास चला गया और उसे वो पानी सर्व कर दिया? क्या हम इतना विश्वास और इतना फोकस रखते हैं अपने मुंजी पर कि जैसे हम हैं, हम उसके पास अगर जाएंगे तो वो हमें बड़े बड़े कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है? जैसे हम हैं, जिस हाल में हम हैं, अगर हम उसके क्रूस के आगे घुटने टेक देंगे तो वो अपने लहू से हमारे जीवन और पापों को धोकर सफेद कर देगा, जैसा कि उसने वायदा किया है कि तुम्हारे पाप चाहे अगवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं हिम की तरह उन्हें श्वेत कर दूंगा। दाऊद को देखें, आमोस को देखें, ये चरवाहे थे, लेकिन खुदा ने दाऊद को इतना बड़ा इसराइल का राजा बनाया, आमोस को अपना भविष्यवक्ता बनाया, डैनियल और इज़ीकेल एग्जाइल्स थे, अपने घर से बेघर बंधुआई में गए हुए दो जवान लड़के थे जिनको इतना बड़ा अपने सेवकाई में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो आज भी हम उनकी किताबें पढ़कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। अगर हम यीशु मसीह के चेलों को देखें, पतरस एक मछुआरा था, मती चुंगी लेने वाला था, शाऊल तो परसिक्यूटर था, यीशु मसीह के नाम के कहलाते हुए लोगों को क्या करता था, सताता था, लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई वो पौलुस बन गया और पूरी दुनिया में उसने यीशु मसीह के नाम को फैलाया। थोमा अविश्वासी या अल्पविश्वासी था, शक करने वाला, डाउट करने वाला, लेकिन जब यीशु मसीह के छिदे हाथों में उसने हाथ अपनी उंगलियां डाल के देखी और उसकी उस दिन जब उसने उस मकसद से यीशु मसीह को छुआ, उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि वो भारत तक पहुंचा और आज उसके नाम के कारण, उसके फैलाए, उसके श्रम के कारण आज आप और हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। तो हमारे लिए इस कहानी में से जो मुझे लगता है सिर्फ तीन बातें अगर आज हम सीखें, हम यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। क्या हम उन छह मटकों की तरह खाली हैं कि हम यीशु मसीह के पास आ सकें? क्या उस सर्वेंट की तरह जानते हुए भी कहीं हम इस डेंजर में तो नहीं कि हम अनजान हैं? क्या हमारे पास उस सर्वेंट की तरह थोड़ा सा भी विश्वास है कि हम जानते हैं इसमें पानी है, फिर भी वो परोसने चला गया और जब उसने परोसा तो वो उत्तम दाखरस निकला? क्या आज आप और मैं इतना विश्वास रखते हैं और अपने आप को मसीह की सेवकाई के लिए देने के लिए राजी हैं, खड़े रहते हैं कि जिस रूप में प्रभु तू मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है तू हमें इस्तेमाल कर, और जब वो हमें इस्तेमाल करेगा तो हम भी नहीं जान पाएंगे कि ये हम थे या पवित्र आत्मा की सामर्थ थी? क्या हम अपने आप को सेल्फलेसली सर्व करना जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह ने जैसे अपना जीवन पूरा सेवकाई में दूसरों की लगा दी और वो कहता है मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं सेवा करने आया है, क्या आप आज आप और मैं हम भी यीशु मसीह की तरह सेल्फलेसली बिना किसी मतलब के परमेश्वर के लोगों के की सेवकाई में जुटना चाहते हैं या ऐसे लोगों की सेवकाई करना चाहते हैं जिन तक अभी तक परमेश्वर की रोशनी नहीं पहुंची है? और अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवन के ऐसे सोते निकाल देगा जल के जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। और जब वो सोते हम दुनिया तक पहुंचाते हैं, जब तक हमारे पास ही वो सोता हम रखेंगे वो पानी ही बना रहेगा। भाइयों बहनों, जब तक हम दूसरों तक वो पानी नहीं पहुंचाएंगे हम दाखरस नहीं बन सकते, हम उत्तम दाखरस नहीं बन सकते। क्या आप और मैं यीशु मसीह से सच्ची मुलाकात करना चाहते हैं? तो आइए आज हम अपने आप को खाली करें उन मटकों की तरह। आज आइए उस सेवक की तरह अपने अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास ले आए और अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण कर दें। और क्या आप और मैं
चाहते हैं कि हमारे अंदर जो पानी है उसको प्रभु उत्तम दाखरस में बदल दे, अगर चाहते हैं तो मेरे साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज समय है कि हम अपने अपने दिलों के दरवाजे खोल दें, क्योंकि वो कहता है मैं द्वार पर ही हूँ, और द्वार पर यीशु मसीह आज आपके और मेरे दिल में आना चाहता है और खटखटाता है। क्या हमारे दिल का जो घर है उसमें इतनी जगह है कि उसमें यीशु मसीह आ सकता है, या हमने उसमें दुनिया भर की चीजें भर रखी हैं? अगर भर रखी हैं तो अभी भी समय है, अपने आप को उस मटकों के समान खाली कर दें, तब देखिए परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम आपके और मेरे जीवन में करेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।